आलिया, बहुत छोटी सी उम्र में कामयाबी पाने के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुमने इंडस्ट्री में हमारी फैमिली की इज्जत बनाए रखी। थैंक यू दीदी, ये सब मैंने आपसे और पापा से ही तो सीखा है। आपकी एक्टिंग देख के तो मैंने एक्ट्रेस बनने का सोचा था। मैं चाहती हूँ कि तुम एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनो, लेकिन उसके लिए तुम्हें उस लड़के रणबीर से दूर रहना पड़ेगा। दीदी ऐसा मत बोलो, अच्छा लड़का है वो। तुमसे पहले भी चार लड़कियों ने यही बोला था, उनके नाम भी मुझे उंगलियों पर याद है। दीदी बस करो, मैंने कहा ना वो अच्छा लड़का है। He is very helpful. मैं तो बस कर दूंगी, लेकिन वो जो एक के बाद एक गर्लफ्रेंड बना के ट्रेन के डब्बे छोड़े जा रहे हैं, उसका क्या? ओहो दीदी बस करो ना। ये प्यार ना कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। एक बार कोरोना वायरस के लिए दवाई बनाई जा सकती है, लेकिन इस प्यार का किसी डॉक्टर या साइंटिस्ट के पास कोई इलाज नहीं है। अरे दीदी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको हैंडल करने के लिए ना मेरे हाथ में ब्रह्मास्त्र लग चुका है। आप परेशान मत हो। चलो उसको छोड़ो, और बताओ क्या कर रही हो क्वारंटीन में? कहीं बाहर तो नहीं आ जा रही हो? नहीं नहीं दीदी, कहीं नहीं जाती। लॉकडाउन चल रहा है तो जो गवर्नमेंट ने बोला है उसे फॉलो कर रही हूँ। सच्ची में इस कोरोना ने तो जान ले ली है, बस जल्दी से ये खत्म हो और फिर से बाहर घूमना फिरना शुरू हो। सच्ची में दीदी, कहने वाले ने ना क्या खूब कहा है, बाहर घूमने की खुशी उसमें आ गया कोरोना का गम, चलो घर बैठे बैठे करे कोरोना का किस्सा खत्म।